नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल एसटी हेल्थ स्टडी पर। दोस्तों, जीवन में जब ज़्यादा परेशानी हो जाए, आर्थिक तंगी आ जाए या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो दोस्तों आज आप हमारी वीडियो में बताए गए थोड़े से कपूर के यह उपाय कर लीजिए। सच मानिए, यह साधारण से उपाय करने से आपको अपनी ज़िंदगी में आई बहुत सी तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कथा, पूजा पाठ या फिर आरती में कपूर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। कपूर का उपयोग हम पूजा पाठ और खासकर आरती में उपयोग में लेते हैं। बिना कपूर के धार्मिक कार्य अधूरे माने जाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी कपूर बहुत फायदेमंद होता है। कहा जाता है कि कपूर जलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही कपूर जलाने का दूसरा कारण है घर में सकारात्मकता और शांति फैलाना। वहीं वास्तुशास्त्र में भी कपूर के बहुत से फायदे बताए हैं। कपूर को जेब या फिर अपने पास रखने से ना सिर्फ नकारात्मकता दूर होती है, बल्कि इसके अलावा भी व्यक्ति के जीवन में चल रही कई परेशानियां दूर होती हैं। हम आपको बताते हैं कि कपूर कैसे आपको संकटों से मुक्ति दिला सकता है और कैसे आप अपने ग्रह और घर को भी बाधा मुक्त रख सकते हैं। ऐसे ही इसे जेब में रखना भी बहुत ही शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं कपूर को जेब या पर्स में रखने के कुछ फायदों के बारे में। नंबर एक, शुक्र ग्रह होगा मजबूत। सफ़ेद कपड़े में कपूर को बांधकर जेब में रखने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। इससे स्किन से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं। नंबर दो, पति पत्नी के बीच तनाव। अगर पति पत्नी के बीच तनाव रहता है और छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में कपूर का छोटा सा टुकड़ा अपने पास हमेशा रखें। इससे शुक्र देव प्रसन्न होते हैं और पति पत्नी के बीच आपसी मेलजोल बढ़ता है, जिससे शांति बनी रहती है। नंबर तीन, आर्थिक संकट करता है दूर। अगर आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और आपके पास पैसा आने के बावजूद टिक नहीं रहा है, तो अपने रुमाल में कपूर का टुकड़ा बांधकर पर्स में रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और पैसा भी आपके पास रुकने लगेगा। इससे धन लाभ के भी योग बनते हैं। नंबर चार, सुख शांति आती है। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति है, तो ऐसे में आपको अपनी जेब में एक कपूर जरूर रखनी चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति आती है। नंबर पाँच, नकारात्मक ऊर्जा करे दूर। जीवन में यदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाए, तो बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में अगर आप जेब में कपूर रखते हैं, तो आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। नंबर छः, मन को रखता है शांत। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप किसी ज़रूरी काम से जा रहे हों, तो जेब में या फिर पर्स में कपूर लेकर जाएँ। ऐसा करने से आपको काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही अगर आप हमेशा ही अपने पास कपूर को रखते हैं, तो इससे आपका मन शांत रहता है। नंबर सात, बुरी नज़र से बचाए। किसी की बुरी नज़र लग जाए तो जीवन और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में कपूर साथ में रखने से आपको किसी की बुरी नज़र छू भी नहीं पाएगी। नंबर आठ, सफलता मिलती है। यदि आप किसी ज़रूरी काम से घर से निकल रहे हैं, तो जेब में कपूर ज़रूर रख लें। इससे आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी। नंबर नौ, नौकरी में सफलता। यदि आपको लंबे वक्त से प्रमोशन नहीं मिला है या जॉब नहीं मिल रहा है, तो इंटरव्यू के लिए निकलते हुए जेब में कपूर रखें। इससे आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यह कुछ छोटे छोटे उपाय थे जिनको करने से आपको सुख समृद्धि और मन को शांति मिलती है। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में दो वास्तु टिप्स बताते हैं, जिनको करने से आपके घर में उत्पन्न वास्तु दोष दूर होते हैं। नंबर एक, अगर आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है और आप इसे घर में बिना किसी बदलाव के दूर करना चाहते हैं, तो आप घर के कोनों में कपूर के टुकड़े रख दें। कपूर वास्तु दोष को दूर करने में काफ़ी कारगर माना जाता है। नंबर दो, नेगेटिव एनर्जी कम करने के लिए। हमें कई बार अजीब सी वाइब्रेशन आती है कि हमारे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इसका कारण नेगेटिव एनर्जी के होने से भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके घर या आसपास नेगेटिव एनर्जी है, तो इसके लिए कपूर की दो टिकिया ले
और इसे जलाकर पूरे घर में घुमाएं, इससे बुरी शक्ति खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप भी जेब में कपूर रखकर और घर में कपूर के ये उपाय करके लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।